पूर्वार्ध अध्याय 109। स्वस्ति श्री मूढ़ीपुरी छे सुंदर शुभ स्थान, जा बिराजे संत ते प्रगट न जानो निदान। श्रीजी महाराज ने मोटा तणी कृत मर्यादा पालक, प्रगट स्वामी नारायण ना जानो अनन्य उपासक। स्वधर्म ज्ञान वैराग्यादि शम दमति तीक्षा सार, उपासना आज्ञादि शुभ गुण ना ते भंडार। श्रीजी महाराज ने मूर्ति मा लुब्ध मानस अपारती, महाराज ने मोटा तणा छे परम लाडीला शुभ मती। साधुताना लक्षणे संपन्न, लक्षित साधु परम पावन। भगवत स्वरूप दास जीते आदि मंडल प्रत्येते प्रीते। वृष पुरथी ते लखावी तंग, घणो करवा सत संग। मुक्त राज महा मोटा घना, अब जी भाई पाचा भाई तना। तेम ना घना घना स्नेह थी, आशीर्वाद पूर्वक ने हथी। जय स्वामी नारायण जेह, वाच शो करे अधिक स्नेह। तमारो पत्र पहुँचो निक, तेमा जानी विगत विशेक। तमने गुमडू थयू छे बहु, तेनो उपाय एक ज कहूँ। श्रीजी महाराज भेड़ा भड़शे, त्यारे गुमडानी पीड़ा टळशे। मटी जाशे सुख बहु थाशे, हे औषध प्रगट प्रभु पासे। शांति सुख ते तो आप जानो, प्रत्यक्ष मूर्ति माज प्रमाणो। आ प्रत्यक्ष सभा माते छे जो, बीजे क्याय नथी मानी लेजो। माटे प्रत्यक्ष महाराज विशे, राख जो मन वृद्धि अतिशे। प्रत्यक्ष नी सभा संभार जो, अखंड ध्यान भजन कर जो। तेज शांति नो उपाय छे जो, महाराज ने संभारी लेजो। महाराज ने मोटा ने वू, पोतानु सर्वस्व सुख देवू। निज आश्रित ने ते निदान, आपवू निज सुख के तान। माटे जरूर आपशे ते ह, तेमा नथी जराय संदेह। आपड़े तेना थईने रहवूं, खरे खरू शरण ते ग्रहवूं। तमे तो तेवा थई रह्या छो, मूर्ति मारस बस थया छो। पण बीजाना उपदेश सारूं,
લખવાનું થાય છે અમારું જે જે દુઃખ દેહ માહી થાય તેનો નથી બીજો તે ઉપાય શ્રીજી મહારાજ ભેળા ભળે ત્યારે દુઃખ જરૂર તે ટળે દેહ વિના બીજા વૈદ્ય થકી દુઃખ મટે નહીં જાણો નક્કી ડોક્ટર કે ઔષધથી જાણો કોઈથી કાંઈ ન થાય પ્રમાણો શ્રીજી મહારાજ જો ભેળા ભળે ત્યારે રોગ માત્ર સર્વે ટળે માટે બીજાનો ભાર ઉતારી રાજી રહેવું મૂર્તિને સંભારી જેમ રાખે તેમ રાજી થાવું પણ કાયર થઈ ન જાવું આવું આગે પણ મોટા સંત દેહ દુઃખ વેઠતા અત્યંત ઘણા રોગ ઘણાને થયેલા પણ સદા ધીર જે રહેલા તેમ આપણે પણ વિચારી રહેવું રાજી હરિને સંભારી સુખ શાંતિ એમાં જ છે ઘણી માટે ત્વરા રાખ જો તે તણી મોટા અનાદિ મુક્તનો જોગ જેથી ટળે મહાભવ રોગ પ્રત્યક્ષ મૂર્તિનું સુખ આવે ત્યારે રોગ માત્ર સર્વ જાવે દેહના ભાવ દેહમાં રહે સુખ મૂર્તિમાં રહીને લહે તપે નહીં તન મન તાપે પ્રગટ પ્રભુજીને પ્રતાપે માટે એ આશરો ખૂબ રાખી દેવાલોક ભોગ સુખ નાખી આખી મૂર્તિમાં સળંગ રહેવું નથી બીજું સુખ કોઈ એવું તે તમે તો સદા એમ રહ્યા મૂર્તિમાં તદાકાર તે થયા માટે તમને કહેવું શું પડે પણ બીજાને જો દુઃખ નડે ત્યારે સંભારે શ્રીજી મહારાજ તેથી થાય પૂરા સર્વે કાજ દુઃખ દેહનું તે મટી જાય પરમ શાંતિ સદાય તે થાય એ જ કરવાનું છે જો કામ પ્રગટ સંભારવા સુખ ધામ આજે લખી જણાવ્યું છે અમે તેનો રહસ્ય જાણજો તમે એક મૂર્તિનો રાખી આધાર પ્રગટ ભજી લેવા સુખકાર મુક્ત રાજ મહારાજ તણું સુખ ભોગવવું ઘણું ઘણું એ જ અમારો સિદ્ધાંત છે જો થોડા માહી ઘણું માની લેજો ત્યાં સદગુરુ સ્વામી તે જેહી અક્ષર જીવન દાસજી સ્નેહી સાધુ ગુણાતીત દાસજી તે કૃષ્ણ સેવા દાસજીને પ્રીતે સ્વામી શ્વેત વૈકુંઠ દાસજીને ધર્મ કિશોર દાસજી તેને સાધુ દેવ જીવન દાસજી તે મુનિ હરિજનો સૌને પ્રીતે જય સ્વામી નારાયણ કહેશો સહુને પત્ર વંચાવી દેશો એવી રીતે આ પત્ર લખાવી મોકલ્યો હેત રુચિ જણાવી પછી બાપા શ્રી બહુ જ પ્રીતે સૌને વાતો કરે રૂડી
यशपुरना मंदिर माय बैसी आसन पर सुखदाय केशव प्रिय दास जी प्रीते बीजा सौ संत हेत सहिते करे सेवा समागम सहु मुक्त राज सुख आपे बहु पछी फागण पूनम ने दन गाम ना मंदिर मा पावन फूल दोलनो उत्सव प्रीते बापा श्री करावे रूढ़ी रीते गाम नाते सर्वे हरिजन मंदिर मा आविते हदन मुक्त राज बापा श्री ना प्रीते दर्शन करी बहु रूढ़ी रीते उच्छव करी रंगे ते रमता मुक्त राज ने घणु ते गमता पछी बापा श्री सहु ने प्रीते आपे फगवा पोक सहिते जार धाणी घऊ पोक साथे आपे मुक्त राज निज हाथे हरिजन हेते करी लिए बापा श्री वैय हस्त थी दिए सौने फगवा आप्या ए रीते प्रगट मूर्ति प्रेम सहिते पछी संत सौने रजा आपी जाओ भुज कहे पीठ स्थापी त्यारे पुराणी ने सहु संत हेते भुज गया गुणवंत त्यार पछी ते वैशाख मासे साम तरा गाम माहुल्ला से मोटी संस्कृत सटीक जानो शिक्षा पत्री ने कथा प्रमाणो सात दिवस नी कथा करी त्या जावा सौवे तैयारी करी भुजना संत सेवा मा सारा जैनी दृष्टि फरे छे चो धारा स्वामी महापुरुष दास जीते भक्ति प्रिय दास जीते प्रीते सर्वे आव्या साम तरा गाम संत वर्णी हरि जन तमाम पुराणे केशव प्रिय दास श्रीनगर समये हुल्लास गया ता हरि नवमी कुपर थया सामत्रे आववा तत्पर त्याथी हरि प्रसाद जी साथे आव्या मूड़ीए सहु संगाथे ते मूड़ी ना गोपी वल्लभ दास देव जीवन दास हुल्लास साधु हरि कृष्ण दास जीते एह आदि संत मणि प्रीते आव्या साम तरे गाम सहु कथा प्रसंग परते बहु भुज थी वर्णे निर्गुणानंद आव्या कथा मा करवा आनंद बापा श्री ते वृषपुर थकी पगे चाली आव्या आपे नक्की कथा प्रसंग उत्सव पर सौने दर्शन दीधा सुंदर बहु वातो करी सुख दीधा संत हरिजने ते मळी लीधा पछी कथानी समाप्ति थई त्यारे भुज आव्या सुखदाई मैता भोगी लाल भाई तणी ताण दीठी दर्शननी घणी तेमना डोशी ते पण मादा हता ते सारू ताण हे ते करता
पछी घोड़ा गाड़ी तैयार करी शगराम राख्यो जो तरी कह्यू मुक्त राज ने विचारी बैसो जा होय मर्जी तमारी पछी बैठा शगराम माय मुक्त राज पोते सुखदाय बीजा निर्गुणानंद ब्रह्मचारी प्रगट मूर्ति सदा रह्या धारी गोपी वल्लभ दास जी प्रीते बैठा बापा पासे रूढ़ी रीते आव्या वड़ाव वाहरी जन करी दर्शन थया मगन पछी चलाव्यो छे शगराम आव्या हे ते भुजनग्र गाम भोगी लाल भाईये रूढ़ी रीते आपी रसोई ते बहु प्रीते भुज नावरणी संत पार्षद आदि हरिजननी नहीं हद सौने तेड़ी गया निज घर त्या रसोई करी रूढ़ी पैर जम्या मुक्त राज संत सहु थयो आनंद मंगल बहु रह्या पांच दिवस बापा श्रीते भुज मां भक्तोनी बहु प्रीते पछी पधार्या छे वृषपुर सुख आप वासौने जरूर बापा श्रीना समागम सारू आवे संत हरि जन हजारू पुराणी ते हरि प्रसाद दास गोपी वल्लभ दास हुल्लास केशव प्रिय दास ते पुराणी हरि कृष्ण दास लियो जानी देव जीवन दास जी प्रीते आदि संत मंडल रूढ़ी रीते गया सहु संत वृषपुर समागम करवा जरूर ते समय बापा श्री ना दर्शने आव्या हरि जन शुद्ध मने कराची ना लालू भाई जेह महादेव भाई आदि कते ह बापा श्री ना समागम सारू आवे हरि जन देह जारू देह सहुने बहु सुख आपे महाप्रभु जी ने मूर्ति मा स्थापे श्रीजी महाराज ने मूर्ति तणु प्रगट सुख आपे छे घणु तेने वर्ते छे अति आनंद थाय दिव्य निर्गुण मुनि वृंद जे जे करे दर्शन हरि जन ते सौ दिव्य निर्गुण पावन। इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुणानंद वर्णी रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते पूर्वार्धे वृषपुर फूल दोलोत्सव करी बापा श्री सामत्रे कथा में पधार्या पछी भूज आवी भोगीलाल भाई ने घेर थाळ जमी वृषपुर पधार्या ने त्या गुजरातना संतो तथा कराचीना हरिभक्त दर्शने आव्या। ए नामे 109मो अध्याय।